नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों फाइनली जो है एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन का जो है 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल यानी 6 नवंबर को एसएससी ने जो है जारी कर दिया था दोस्तों नोटिफिकेशन। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या मतलब दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारी बातें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो कैंडिडेट एसएससी को ज्वाइन करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पाते हैं और वो केवल 12वीं पास हैं। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये सीएचएसएल 2020 का निकाला गया है। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था दोस्तों अक्टूबर में, वो 2019 सीएचएसएल का था। सो सीएचएसएल का मतलब होता है दोस्तों कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें दोस्तों वेरियस पोस्ट होती हैं। इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है दोस्तों, एक तो होती है आपकी सॉर्टिंग असिस्टेंट की, उसके बाद जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है दोस्तों, एक होती है इसमें एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की, एक पोस्ट होती है दोस्तों डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। सो ये बातें आप सभी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की। तो एसएससी सीएचएसएल 2020 के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 6 नवंबर यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है दोस्तों ssc.nic.in, इसके जरिए आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट जो रखी गई है वो 15 दिसंबर 2020 रखी गई है दोस्तों। एग्जाम डेट भी जो है नोटिफिकेशन में बताया दी है कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा टायर वन का वो किस दिन होगा। जो एग्जाम डेट है दोस्तों ये टायर वन की एग्जाम डेट है और ये आपका होगा 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल 2021 के बीच। 12 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट रहेगा 27 अप्रैल तक चलने वाले एग्जाम 2021 में। सो आज से काउंट करें तो लगभग दोस्तों आपके पास 5 महीने बचे हुए हैं। आगे बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो एज जो यहाँ पर रखी गई है दोस्तों वो है 18 से 27 साल। जो एज लिमिट रहती है दोस्तों वो जनरल कैंडिडेट के लिए रहती है 18 से 27 साल और एज आपकी जो काउंट होगी वो होगी 1/1/2021 से। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2021 को 18 साल से ऊपर और 27 साल से कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। सो अगर आप दोस्तों ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज रखी गई है 18 से 30 साल। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज रखी गई है दोस्तों 18 से 32 साल। सो ये जो है एज का क्राइटेरिया है जो कि 1/1/2021 से मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो दोस्तों यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 पास। अगर आपने 12वीं कर रखी है दोस्तों किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने आर्ट से की हो, कॉमर्स से की हो, साइंस से की हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप दोस्तों इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने 10+2 को कोई इक्विवेलेंट किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप कैग को ज्वाइन करना चाहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया के ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए विद मैथ दोस्तों आपको साइंस स्ट्रीम से 10+2 पास की होनी चाहिए। बाकी एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन सभी के लिए दोस्तों आप सभी सिंपल 10+2 पास है तो फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फीस की, तो जो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर रखी गई है वो केवल 100 रुपए रखी गई है और ये जो 100 रुपए फीस है ये केवल मेल कैंडिडेट को पे करनी है, वो भी उनको जो मेल कैंडिडेट ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट दोस्तों एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बातें आप सभी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों और डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो आपको दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एक बार मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों वो क्या है, वो बड़ा ही सिंपल है। 3 फेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहले पर होगा दोस्तों आपका टायर वन एग्जाम होगा दोस्तों, जो कि क्या होगा ऑनलाइन मोड में होगा। आप सभी को पता है ऑनलाइन मोड में ये होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी आप इसे कह सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ये होता है। और ये आपको मैंने बता दिया है कि 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक चलने वाला है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है।
0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। सो जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, इसकी कट ऑफ को शॉर्टलिस्ट कर जाते हैं, सो उनको टायर टू में बैठने का मौका मिलेगा दोस्तों। टायर टू में, टायर टू क्या होता है दोस्तों, ये एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है दोस्तों ये टायर टू, जिसमें आपको एसे या फिर लेटर राइटिंग ये आपको दिए जाते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है दोस्तों। उसके बाद जो होता है हमारा वो आता है टायर थ्री, जो कैंडिडेट टायर टू को भी क्वालिफाई कर जाते हैं वो टायर थ्री में बैठते हैं, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों स्किल टेस्ट या फिर मेनली आप कहते हैं इसको टाइपिंग टेस्ट, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है टायर थ्री में, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपकी टाइपिंग होती है। सो ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है एसएससी 10+2 एग्जामिनेशन की, जो कि 2020 के लिए है। सो ये दोस्तों आपको सारा का सारा प्रोसेस बता दिया है। आप सभी को एक मैं बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेज में जो साइट होती है वो बहुत ही ज्यादा बिजी चलती है और एक एक घंटा लग जाता है आपको अप्लाई करने के लिए, लेकिन अभी साइट दोस्तों बिल्कुल आराम से चल रही है, कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, सो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, भले ही आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप इसकी, लेकिन एग्जाम आप नहीं दे पाओगे अगर आपने ये गलती कर दी है। वो गलती क्या है दोस्तों, ये गलती है कि आप सभी को, आप जो फोटो अपलोड करोगे दोस्तों, फोटो जो अपलोड आप करोगे दोस्तों, उसमें क्या करना है, उसमें आपको अपना डेट ऑफ प्रिंट जो होता है दोस्तों वो आपको अपने फोटो पर लिखवा लेना है, डेट ऑफ प्रिंट आपको अपने फोटो पे लिखवा लेना है नीचे, और जो आपका फोटो है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जिसपे आपकी डेट ऑफ प्रिंट लिखी होनी चाहिए। ये दोस्तों एसएससी ने सेपरेट नोटिस निकाल कर भी बताया है, सो भाई इसको इग्नोर मत कीजिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो ये क्लियर गाइडलाइन दी हुई थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट है एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन 2020 से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें क्या है दोस्तों, उसमें हम आपको इसका पीडीएफ भी दे देंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, साथ ही साथ इस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पे मिलता रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट मिल जाए। और दोस्तों अगर आप एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन 2020 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी दोस्तों अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो। जी हां दोस्तों, आप सभी जो है अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस को आप सभी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इससे क्या हुआ, जो भारत के टॉप एजुकेटर हैं दोस्तों उनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस से, एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, और दोस्तों आप ना जितने भी टॉप एजुकेटर है सबके द्वारा पढ़ पाओगे। सो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे इंग्लिश के अलग टीचर है, मैथ के अलग टीचर, जीएस के अलग टीचर, रीजनिंग के अलग टीचर जो टॉप है उनसे आप पढ़ पाओगे। और दोस्तों जब आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लो तो प्रोमो कोड यूज कीजिएगा इंडियन, जो रेफरल कोड है वो आप यूज कीजिएगा इंडियन। इससे दोस्तों क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 6 महीने के लिए आप अकेडमी प्लस लेके देखे दोस्तों, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। सो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो आप जो है प्रो डिस्काउंट कोड या फिर रेफरल कोड यूज कीजिएगा इंडियन, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।